सो वेलकम बैक टू क्रिकेट मेज। IPL 2020 में हम लोग को राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था, थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस था और जिसके वजह से राजस्थान रॉयल्स की जो टीम थी उन्होंने नंबर 8 में फिनिश किया था। जहां पर आपको पता है कि 2021 के लिए ये टीमें काफ़ी सारे चेंजेस करने वाली है। 2020 में इनका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इनका जो मेन प्लेयर था बेन स्टोक्स वो टीम में काफ़ी लेट आए थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया था और इनका जो 3-4 डिपार्टमेंट था इसमें उन्होंने स्ट्रगल किया था। जहां पर 2021 के लिए काफ़ी सारे चेंजेस करने वाले हैं, ऐसे में आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले राजस्थान रॉयल्स के 2021 के लिए रिलीज प्लेयर की लिस्ट, रिटेन प्लेयर की लिस्ट, ट्रेड प्लेयर की लिस्ट, टारगेट प्लेयर की लिस्ट के साथ साथ जो ऑक्शन की स्ट्रेटेजी होने वाले है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले राजस्थान रॉयल्स के रिलीज प्लेयर्स के बारे में। तो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उनके तरफ से बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। जी हाँ, उन्होंने ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया कौन से प्लेयर को रिलीज करने वाली है। जो लिस्ट है उसमें नाम है मनन वोरा का, महिपाल लोमरो का, उनाटकट का, यशस्वी जायसवाल का, अंकित राजपूत का, डेविड मिलर का, ऑशन थॉमस का और एंड्रयू टाय का। इन प्लेयर को वो 2021 के ऑक्शन के रिलीज करने वाली है। अगर बात करें कौन से प्लेयर को रिटेन करने वाले तो काफ़ी सारे प्लेयर को रिटेन करने वाले, जो कोड होगा उसको तो ये रिटेन कर लेगी। अगर नामों की बात करें तो जॉन्स बटलर रिटेन होने वाले, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, इसके अलावा रॉबिन थॉमस रिटेन होने वाले हैं, श्रेयस गोपाल, वरुण एरन, टॉम करन, जोफ्रा आर्चर, राहुल टिवटिया। और जो प्लेयर रिटेन होने वाले उसमें नाम आ रहा है रेयान पराग का, संजू सैमसन का, कार्तिक त्यागी का, मयंक मार्कंडे का और शशांक का। मैंने यहाँ पे सारे नाम नहीं बताए, जो की प्लेयर जो इनके प्लेइंग 11 में वो देखने को मिल सकते हैं उन प्लेयर के नामों को बता दिए हैं। और ये जो प्लेयर्स हैं इनको 2021 के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो रिटेन करने वाली है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले राजस्थान रॉयल्स के ट्रेड प्लेयर के लिस्ट के। जहाँ पर आपको पता है कि 2021 का ट्रेडिंग विंडो चालू है और 4 दिसंबर तक आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है जिन्होंने जिन प्लेयर को आगे किया है उसमें नाम आ रहा है यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल को अभी तक किसी भी टीम ने कॉन्टैक्ट नहीं किया है, शायद कि डायरेक्टली रिलीज होने वाले हैं। इसके अलावा डेविड मिलर को भी इन्होंने आगे किया है, जहाँ पर डेविड मिलर बहुत अच्छा ऑप्शन है, CSK की टीम, सनराइज हैदराबाद की टीम और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को ले सकती है, लेकिन अभी तक किसी ने इनको पूछा नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एंड्रयू टाय का नाम आगे किया है और एंड्रयू टाय के ट्रेड के ऊपर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जहाँ पर ये ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका है कि जो KXIP की टीम है उनके साथ जो ट्रेड है वो हमको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, जो KXIP की टीम है उसके साथ ट्रेड हो सकता है और हो सकता है जो करुण नायर है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में आ जाए या फिर कोई इंडियन फास्ट बॉलर राजस्थान रॉयल्स की टीम में जा सकता है। इसके अलावा बात करें उन प्लेयर्स का जिनको ये ट्रेड के लिए कॉन्टैक्ट कर रही है, उसमें नाम होता है खलील अहमद का जो कि सनराइज हैदराबाद के फास्ट बॉलर है। इसके अलावा धवल कुलकर्णी को ये वापस से टीम में ट्रेड कर सकती है, जिनको इन्होंने 2020 के लिए मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया। और जो RCB के नवदीप सैनी है उससे भी बातचीत कर रही है। अब देखते हैं कि इनके ट्रेड के ऊपर अपडेट जो है वो कब तक निकल के आती है। इस लिस्ट में नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इनके ऑक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि आखिर इनको कौन से प्लेयर की ऑक्शन में दरकार है। एक इंडियन बैट्समैन को ऑक्शन में टारगेट करने वाली, जो फॉरेन बैट्समैन होगा उसको भी ऑक्शन में टारगेट करने वाली है और जो इंडियन फास्ट बॉलर होगा उसको भी वो ऑक्शन में खरीदने की कोशिश करने वाली है। अगर बात करें कौन से प्लेयर को ऑक्शन में टारगेट करने वाली है तो ये काफ़ी सारे प्लेयर को टारगेट करेगी और ऑक्शन में काफ़ी बिजी राजस्थान रॉयल्स की टीम रहने वाली है। अगर प्लेयर के नामों की बात करें तो रजनीश गुरबानी को टारगेट करने वाली है, बीरेंद्र शन को टारगेट करेगी, यूसुफ पठान को भी टारगेट करने वाले, इन्होंने पहले से कन्फर्म कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो अर्जुन तेंदुलकर है वो भी ऑक्शन के लिए अवेलेबल रहने वाले, एक फास्ट बॉलर एक ऑलराउंडर है, तो ये भी राजस्थान रॉयल्स की हिट लिस्ट में फॉर श्योर रहने वाले हैं। अगर बात करें फॉरन प्लेयर्स के बारे में तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे नाम राजस्थान रॉयल्स के निकल के आ रहे, जैसे कि साकिब अल हसन को टारगेट करने वाली है, काइल जो कि न्यूजीलैंड के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे, इनको ये फॉर शॉट टारगेट करेगी। जॉर्ज गार्टन को टारगेट करने वाले जो इंग्लैंड के वन ऑफ द फाइन बॉलर हैं और इन सब प्लेयर को ये ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। तो ये तो थी राजस्थान रॉयल्स की 2021 के लिए कंप्लीट गाइड, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान रॉयल्स की टीम कौन से प्लेयर को रिटेन करेगी, कौन से प्लेयर को रिलीज करेगी, कौन से प्लेयर को ट्रेड करेगी, कौन से प्लेयर को टारगेट करने वाली है। अभी के लिए स्टूडियो के लिए मैं तब से इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।